दोस्तों जो ये आप सामने पेपर देख रहे हैं आर्मी एनए का पेपर है जो कि शिलांग एआरओ में आया हुआ था। दोस्तों ये पूरा पेपर सॉल्व करिएगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आर्मी एनए के कैसा एग्जाम आता हो, कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जिससे आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। वहीं दोस्तों पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद अगर आपके टोटल 42 क्वेश्चन तक आपने सॉल्व कर लेते हैं तो ये मान चलिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही और आपको केवल इसे मेंटेन करते रहना है। तो वही स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो वहीं दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने के पहले कुछ आपको बेसिक पॉइंट बता देता हूँ, क्योंकि काफी लोग ऐसे होंगे जो पहली बार आर्मी एनए का एग्जाम दे रहे होंगे। दोस्तों इसमें जो आपके टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी टोटल आपके 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर का होता है, यानी टोटल आपको इसका जो पेपर होता है 200 नंबर का पेपर होता है, और जिसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है, और जिसका पासिंग मार्क होता है यानी 70 नंबर का पासिंग मार्क होता है, यानी कि अगर आपके 70 नंबर से कम आते हैं तो आपको जो कापी है वो मेरिट के लिए भी नहीं भेजी जाती, आप वहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये तो होगी बेसिक पॉइंट है। अब आइए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। हमारे इसमें पहला पेपर आया था, पार्ट वन आता है। पार्ट वन में सबसे पहले हमारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जनरल नॉलेज के टोटल आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मेघदूत किताब के लेखक कौन है। तो मेघदूत किताब के लेखक कौन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर एक आपका कालिदास हो जाएगा। और वहीं दोस्तों जितने भी सही आंसर है उसके लास्ट में मैंने डॉट लगा दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सॉल्व करने में। और दोस्तों बाद में आप काउंट करके काउंट कर लेना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन आया था, दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हेमेटाइट लोहे का भंडारण सबसे ज्यादा किस राज्य में है। तो सबसे ज्यादा किस राज्य में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3 में आया था, जोग जलप्रपात कहाँ पर है। तो जोग जलप्रपात कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य पर है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आया था यानी क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया था मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया था मुंडकोपनिषद कहाँ से लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद कहाँ से लिया गया है, यह अथर्ववेद से लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की थी। तो समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की थी, वास्को डिगामा ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था यानी क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया था भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल शासक कौन हो जाएगा, यानी बहादुर शाह जफर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा थी। तो किस राज्य की थी, यानी केरल राज्य की थी, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था कालबेलिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यह किस राज्य का लोक नृत्य है, यह राजस्थान का लोक नृत्य है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था यानी क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा गया था भारत के अलावा और किस देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो किस देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, पाकिस्तान का हॉकी है। दोस्तों यहाँ से हमारा पार्ट वन समाप्त हो जाता है, इसके बाद हमारा पार्ट टू स्टार्ट हो जाता है। पार्ट टू टोटल में बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं जिसके टोटल 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था वह क्वेश्चन था यानी क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। तो कौन सा हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों जो भाई एनए के नोट्स लेना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम आपको 99 रुपये में जिसमें हम आपको देंगे एनए के एग्जाम में आए हुए बायो के 1000 क्वेश्चन, फिजिक्स के 1000 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 1000 क्वेश्चन और जीके जीएस के 1000 क्वेश्चन, और मैथ के हैंड राइटिंग बुक भी आपको इसी में प्रोवाइड करा दी जाएगी। और आपको 25 ओरिजिनल पेपर आर्मी के एनए के दिए जाएंगे जिससे आप यह देख सकते हैं कि आर्मी के एनए पेपर कैसा पेपर आ रहा है, क्योंकि जो आर्मी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसे सबसे ज्यादा रिपीटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वहीं जो भाई नोट्स लेना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा गया था कौन सा विटामिन, ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, आप इसे सही कर लेना, ये इसका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कौन सा विटामिन आपके त्वचा के लिए लाभकारी होगा। तो कौन सा विटामिन हो जाएगा, यानी विटामिन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा गया था मानव शरीर में नमक का प्रवाह किसके द्वारा होता है। तो नमक का प्रवाह किसके द्वारा होता है, यह प्लाज्मा के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा गया था रेटिनल किस विटामिन से संबंधित है। तो रेटिनल किस विटामिन से संबंधित हो जाएगा, यह विटामिन सी से संबंधित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा आपका।
और जो अगला क्वेश्चन आया था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा गया था पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है। तो पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, या यकृत के संक्रमण के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। और हमारा जो अगला क्वेश्चन आया था यानी क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा गया था मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व तो कितना प्रतिशत होता है, तो कितना होता है यानी 50% होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था हमारा हैजा का क्या कारण है, तो हैजा का क्या कारण हो जाता है, यानी जीवाणु के कारण हैजा होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, यानी प्रोटीन से होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन इसमें आया हुआ था वो क्वेश्चन नंबर 19 था, इसमें पूछा गया था शहद में मुख्यतः क्या होता है, तो शहद मुख्यतः क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आप पूछा गया था सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, तो सोयाबीन में प्रोटीन का परसेंट कितना होता है, यानी 40% होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आया था दांतों में क्या होता है, तो दांतों में क्या होता है, दांतों में क्या होता है, कैल्शियम होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था मानव के यकृत में संचित रहने वाला शर्करा क्या होता है, तो कौन सी मानव के यकृत में कौन सी शर्करा संचित रहती है, यानी ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था हमारा सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, ये किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है, ये आयोडीन का होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 24, इसमें पूछा गया था किस जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, तो किसके कारण बीमारी होती है, वायरस के कारण होती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछा गया था मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है, तो विटामिन ए कहाँ संचित होता है, यह यकृत में संचित होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा पार्ट 2 समाप्त हो जाता है, इसके बाद पार्ट 3 स्टार्ट हो जाता है, और पार्ट 3 में आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिसके टोटल आपके 15 क्वेश्चन आपके आते हैं, और जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था यानी क्वेश्चन नंबर 26, इसमें पूछा गया था वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो वायुयान के टायरों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, यानी हीलियम गैस प्रयोग की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आया था यानी क्वेश्चन नंबर 27, इसमें पूछा गया था मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है, तो कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, यानी ऑक्सीजन होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर केंद्र का भिन्न संख्या का उपस्थित के कारण क्या होता है, तो क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था सीमेंट का दृढ़ीकरण किसके कारण होता है, तो यह किसके कारण होता है, यह जल योजन और जल अपघटन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आया था यानी क्वेश्चन नंबर 30, इसमें पूछा गया था कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किस चीज का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था यानी क्वेश्चन नंबर 31, इसमें पूछा गया था कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होती है, तो कौन सी गैस उत्तरदायी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड उत्तरदायी होती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आया था क्वेश्चन नंबर 32, इसमें पूछा गया था कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, तो कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, रेडॉन गैस प्रयोग की जाती है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था यानी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है, तो किस देश का सर्वाधिक योगदान है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक योगदान है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है, तो कौन सी गैस बदल जाती है, यानी हाइड्रोजन गैस बदल जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। और हमारा जो अगला क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था जल का शुद्धतम रूप होता है, तो जल का शुद्धतम रूप कौन सा है, ये वर्षा का जल शुद्धतम रूप होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आया था क्वेश्चन नंबर 36, इसमें पूछा गया था बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है, तो बैटरी में कौन से एसिड का प्रयोग किया जाता है, यानी इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आया था क्वेश्चन नंबर 37, इसमें पूछा गया था हीरे का खनिजी बनावट क्या है,
यानी हीरे का खनिजी बनावट क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था इसमें पूछा गया था किस कारण से स्टोन कैंसर होता है, तो किस कारण से स्टोन कैंसर होता है, ये अम्ल वर्षा के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आया था क्वेश्चन 39 और इसमें पूछा गया था मानव अस्थि का मुख्य तत्व होता है, तो मानव अस्थि का मुख्य तत्व क्या हो जाएगा, या पोटेशियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था इसमें पूछा गया था जल में आसानी से घुलनशील है, तो जल में क्या आसानी से घुलनशील हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 यानी अमोनिया हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों हमारा पार्ट 3 समाप्त हो जाता है, इसके बाद हमारा पार्ट 4 स्टार्ट होता है। पार्ट 4 आपका मैथमेटिक्स का होता है, यानी मैथमेटिक्स के टोटल आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन पूछे गए थे और जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था यानी क्वेश्चन नंबर 41, इसमें क्वेश्चन आया था एक यात्री रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की यात्रा के लिए 1 घंटे का कम समय लेती है और इसकी चाल समान चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई जाती है, तो इसकी सामान्य चाल क्या होगी, तो इसकी सामान्य चाल कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आया था उस बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे 16 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार गत्ते से काटा जा सकता है। दोस्तों जो मैथमेटिक्स हैं सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन नंबर बता देना, उसका सोल्यूशन हम आपको भेज देंगे और इसका आंसर क्या हो जाएगा आप 42 नंबर का यानी कि 128 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था यानी क्वेश्चन नंबर 43, इसमें पूछा गया था एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए और 10% दोनों में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत दोनों में पास हुए, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी 50 आंसर आपका आ जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 44, थोड़ा मिसप्रिंट है आप इसे सही कर लेना, इसमें क्वेश्चन आपको ये पूछना चाहिए था यानी दो पासा एक साथ फेंके जा रहे हैं तो इस बात की क्या संभावना है कि उनके नंबर का गुणनफल एक सम संख्या होगी, तो दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आपका आएगा ये 3/4 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका आंसर सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 45, इसमें पूछा गया था त्रिभुज का एक कोण 55 अंश है, यदि दो कोण का अनुपात 9:16 के अनुपात में है तो कोण ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जिसका आंसर आपका आ जाएगा यानी ऑप्शन नंबर 1 यानी एक कोण आपका 45 अंश आएगा और दूसरा कोण आपका 80 अंश आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका आंसर सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों हमारा यहां से पार्ट 4 आपका समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमारा पार्ट 5 स्टार्ट हो जाता है, यानी पार्ट 5 में आपका फिजिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी टोटल आपके फिजिक्स के 5 क्वेश्चन आते हैं। और जो हमारा पहला क्वेश्चन आया था फिजिक्स का और जो हमारा 46 नंबर क्वेश्चन आया था इसमें पूछा गया था यानी 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर यदि 5 सेकंड तक बल लगाते हैं तो वह 15 मीटर/सेकंड से 25 मीटर/सेकंड हो जाती है, तो लगाए गए बल की गणना कीजिए। दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर 3 8 आंसर आपका आ जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था यानी कि किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है, तो यह किसका मात्रक हो जाएगा आपका, यह आपका कार्य का मात्रक हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आया था क्वेश्चन नंबर 48, उसमें पूछा गया था न्यूनतम परागम्य शक्ति किरण कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी आपकी, अल्फा किरण हो जाएगी यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन 49, इसमें पूछा गया था कि लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि, तो किस कारण से तेल ऊपर चढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 कोशिकीय क्रिया परिघटना के कारण तेल ऊपर चढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा आज का इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन आया था वह आया था धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है, तो किसकी सहायता से किया जाता है, तो आर्कमिडीज के सिद्धांत से किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और आपने क्वेश्चन नोट भी किया होगा। दोस्तों अगर आपके पेपर सॉल्व करने के बाद अगर आपसे 42 क्वेश्चन तक आपके इसमें आ रहे हैं तो दोस्तों ये मान चलिएगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चली और आपका जो रिटर्न एग्जाम है बड़ी आसानी से निकल जाएगा। वहीं दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल में आप नए हो चाहे सब्सक्राइब करना ताकि आगे भी चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।